गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने लगभग आधे चैप्टर को कवर कर लिया है। मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि जो विद्युत सेल होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और दूसरे होते हैं विद्युत रासायनिक सेल, जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो अब हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं, जो भी फैराडे के लॉ थे, फिर उनकी चालकताएं थी, मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकत्व या तनुता का प्रभाव था, कोलरास लॉ था, ये सब विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। पहला तो इसका यही पॉइंट है। दूसरा, इसमें जो प्रक्रम होता है वो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, मतलब अभिक्रियाएं अपने आप होती हैं, नेचर में होती है, प्रकृति में वो अभिक्रियाएं अपने आप होती हैं, उनको करवाना नहीं पड़ता। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में क्या था, विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत के द्वारा अभिक्रिया करा रहे थे, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक पदार्थ को तोड़ रहे थे, विद्युत अपघटन करा रहे थे। तो वहां पर अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम था, यहां स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। इसमें स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया यहां पर भी होगी, जैसे वहां पर हो रही थी ना, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था, कैथोड पर अपचयन हो रहा था, ऐसे यहां पर भी एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया यहां पर भी संपन्न होगी। ठीक है। अच्छा, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में सबसे पहले इसकी जो खोज थी, सर्वप्रथम 1780 में लुईस गैल्वनी नामक एक वैज्ञानिक था, लुईस गैल्वनी, वह सन 1800 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने इसे बनाया। तो उनके नाम पर विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, वोल्टीय सेल कहा जाता है इनको, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। तो ये इनके बारे में हो गया सेल का इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं सेल की संरचना, ठीक है ना, सेल के बारे में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम से हट चुका है, जो नया सिलेबस आया है उसमें विद्युत रासायनिक सेल को मेंशन नहीं किया है, विद्युत रासायनिक सेल को हटा दिया है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा तो उससे आगे के जो इलेक्ट्रोड विभव है,
या मानक अपचयन विभव, मानक औक्सीकरण विभव, इन चीजों को समझाने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसके बारे में बताना जरूरी है। ये आपकी 11वीं क्लास में भी था, 11वीं क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज, तो चाहे 11वीं की कॉपी में ही आप देख लेना, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहां पर केवल समझ लो। जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ये दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात क्या है कि ये दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, ये दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। अब देखिए किस प्रकार की इसकी संरचना है। देखिए इसमें क्या है, दो अलग अलग पात्रों में, थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं, दो अलग अलग पात्रों में हम क्या करते हैं, धातु के लवणों का विलयन भरते हैं। ये दो पात्र ले लिए, एक पात्र में तो हमने ZnSO4 का विलयन भर लिया, जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का विलयन एक्वेटिक, एक मोलर सांद्रता भर लो। एक में हम कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है भाई। अब क्या इसमें खास बात है कि जिस धातु के लवण का आपने विलयन डाला है उन पात्रों में उसी धातु की छड़ लगानी है, उसी धातु की क्या लगानी है, छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेना है, उसी लवण, जैसे यहां पे जिंक सल्फेट का लवण है तो जिंक की छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लोगे, ये जिंक की छड़ है, Zn की छड़। और यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसमें कॉपर की छड़ लगा दो, CO की छड़, ठीक है। और इन दोनों छड़ों को चालक तार द्वारा एमीटर या वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, यहां पर एमीटर या वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जाता है। ये आपने एमीटर लगा दिया, एमीटर है, धारा की दिशा बताएगा, विद्युत धारा बहेगी तो विद्युत धारा के बारे में बताएगा, या वोल्ट मीटर से भी जोड़ सकते हो, एमीटर या वोल्ट मीटर, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें पता है कि जिंक के जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक धातु है जो कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। अब अधिक क्रियाशील है तो यहां पे जिंक धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला गया है, तो जिंक का आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, मतलब जिंक धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, इसका जो अपचयन विभव है वो कम होता है जिंक का कॉपर की तुलना में। तो जिंक यहां पर Zn है जो सोलिड जिंक छड़ से इस विलयन में है तो ये आने लग जाते हैं, इसमें Zn+2 आयन, ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है और Zn+2 आयन में बदल जाती है और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो यहां पर देखो विलयन में तो कौन आ रहे हैं, Zn+2 आयन, विलयन में तो कौन आ रहा है, Zn+2 आयन, ये विलयन में आ रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्पादन हो रहा है, तो जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन होने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है, कोई तत्व परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया अपने आप होती है क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील होती है, इसका तुरंत क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन करती है, ठीक है। तो इस विलयन में यहां पर जिंक की धातु लगा दी, क्रियाशील छड़ है, क्रियाशील इलेक्ट्रोड है, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा,
जिंक छिड़का ऑक्सीकरण हो जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे अपन क्या मानते हैं, एनोड। तो जिंक की छड़ तो किसका कार्य कर रही है, ये एनोड का। एनोड को यहां पर अलोन से याद रखना, किससे याद रखोगे, अलोन से। एनोड लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला होता है, ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्पादन हो रहा है तो नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोड। एनोड लेफ्ट साइड वाला, ऑक्सीडेशन वाला, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो अलोन से याद रख लेना, ठीक है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैथोड। यहां पर क्या कैपो, कॉपर है जो कम क्रियाशील है, कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम होती है, तो यहां पर विलयन में भी आपको पता है कॉपर प्लस टू आयन है, तो ये कॉपर प्लस टू आयन इस छड़ पर जाते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और किसमें बदल जाते हैं, कॉपर धातु में। तो यहां पर क्या क्रिया हो रही है, कॉपर प्लस टू आयन विलयन में से जा रहे हैं छड़ पर, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कॉपर में बदल जाते हैं सॉलिड में। तो इसकी तो मोटाई अधिक होगी और इसकी मोटाई कम होगी, क्योंकि यहां से तो जिंक है जो छूट छूट कर आ रहा है जिंक आयन के रूप में विलयन में, यहां पर कॉपर प्लस टू आयन इसमें जा रहे हैं और कॉपर में बदल रहे हैं, तो इस पर जाके जमा हो रहा है कॉपर जो। तो यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया। यहां कौन सी क्रिया हो रही है, रिडक्शन या अपचयन। तो एक तरफ तो आधे सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, आधे सेल में अपचयन की क्रिया। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, धनावेश। ये छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इधर से। तो इधर तो देखो ऋणावेश और इधर क्या हो जाता है, धनावेश। तो कॉपर की छड़ किसका कार्य कर रही है, यहां पर कैथोड का। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा अपचयन, पर ये चीज बदल गई, देखो विद्युत अपघटनी सेल में तो कैथोड नेगेटिव था और एनोड पॉजिटिव था, लेकिन इसमें एनोड नेगेटिव है और कैथोड क्या है, पॉजिटिव। अब देखो इनके बीच विद्युत विभव उत्पन्न हो गया, यहां पर धनावेश है, यहां पर ऋणावेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है, धारा है जो, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बहेंगे, इलेक्ट्रॉन की गति तो क्या होगी, इधर की ओर, ये इलेक्ट्रॉन के बहने की गति है, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लगते हैं, और हमें पता है विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है, तो विद्युत धारा इधर की ओर बहेगी, ठीक है ना, विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, इधर की ओर। ये आई, आई इधर की ओर जाएगी, आई से लिखते हैं ना विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा इधर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है और विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर बहेगी, तो ये बहने लग जाती है धारा। तो देखो अपने आप विद्युत धारा की उत्पत्ति होगी, किससे, रासायनिक पदार्थों से, मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन 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 अब देखो ये धारा क्या कंटिन्यू बहती रहेगी कि नहीं बहेगी, उसके दो रीजन है, एक तो ये परिपथ पूर्ण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार बही नहीं, नहीं, नहीं। हमेशा धारा बंद परिपथ में बहती है, यहां तो परिपथ क्या हो रहा है, ओपन है, तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों, समझो कि कुछ समय बाद इस विलयन में तो क्या हो जाएंगे, Zn प्लस टू आयन, Zn प्लस टू आयन हो जाएंगे, यहां तो इस विलयन में तो धनायन ही धनायन हो जाएंगे, इस वाले विलयन में, एनोड वाले विलयन में धनायन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब ये धनायन है जो नए आने वाले धनायन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न ही नहीं होंगे, क्यों उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि Zn प्लस टू आयन को ये विलयन में नहीं आने देंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, इधर तो धनायनों की सांद्रता अधिक हो गई, एनोड पर धनायनों की सांद्रता अधिक हो जाती है, धनायनों की सांद्रता बढ़ती है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, धनायनों की सांद्रता बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्पादन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्पादन कम होता जाता है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहां से Zn प्लस टू आयन विलयन में आ ही नहीं पाएंगे तो Zn प्लस टू में बदल ही नहीं पाएगा। इधर क्या होगा, इस विलयन में कॉपर प्लस टू आयन तो यहां जाकर कॉपर में बदल रहे हैं, तो विलयन में SO4 माइनस टू आयन बचे रह जाएंगे, ऋणायन,
यहां पर ऋणायनों की सांद्रता अधिक हो जाएगी, यहां पर ऋणायनों की सांद्रता अधिक होगी। अब ऋणायनों की सांद्रता अधिक हो गई तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को यहां आने से रोकेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। विद्युत विभव में कमी आ जाएगी या इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन नहीं होगा यहां पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन नहीं होगा। तो ऋणायनों की सांद्रता कारण से विद्युत धारा नहीं बहेगी, नहीं बहेगी। तो इन दो रीजनों से थोड़ी देर में ही क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि यहां पर तो इस विलयन में तो धनायन अधिक हो गए और यहां पर ऋणायनों की सांद्रता अधिक हो गई, इस वजह से विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। अब इसके निराकरण के लिए, इसके निराकरण के लिए क्या करते हैं, इस सेल में एक और चीज लगाई जाती है जिसे बोलते हैं लवण सेतु। ये क्या है आपका? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। इसमें क्या लगाते हैं? साल्ट ब्रिज लगाते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है? ये उल्टे यू के आकार की कांच की नली होती है, उल्टे यू के आकार की कांच की नली होती है जिसमें आगार आगार प्लस अक्रिय विद्युत अपघट्य का गाढ़ा लेप भरा जाता है। अक्रिय विद्युत अपघट्य का गाढ़ा लेप। अक्रिय विद्युत अपघट्य कौन कौन से हो सकते हैं? अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे अमोनियम क्लोराइड, NaNO3, KCl आदि, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य जो अक्रिय होते हैं, मतलब इस साल्ट से क्रिया नहीं करेंगे, तो इनका गाढ़ा लेप भर दिया जाता है इसमें लवण सेतु में। तो कोई पूछता है कि लवण सेतु क्या है? लवण सेतु उल्टे यू के आकार की कांच की नली होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य और अगार अगार को, अक्रिय विद्युत अपघट्य को एक अगार अगार रहता है, जेली जैसा रहता है, उस जेली के में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाकर भर दिया जाता है। अब देखो अक्रिय विद्युत अपघट्य का क्या कार्य है यहां पर? ये एक तो देखो परिपथ को पूर्ण कर रहा है, पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब परिपथ जुड़ गया है, बंद परिपथ बन गया है। तो पहला काम तो ये क्या करता है? आपके आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। अक्रिय विद्युत लवण सेतु के क्या क्या कार्य हैं देख लो। लवण सेतु के कार्य, पहला कार्य तो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करना। भाई बाह्य परिपथ तो पूर्ण था लेकिन आंतरिक परिपथ नहीं था पूर्ण, तो उसको पूर्ण कर दिया। दूसरा इसका क्या कार्य है? विद्युत अपघट्यों की उदासीनता को बनाए रखना। यहां पर धनायन ज्यादा हो रहा था, यहां पर ऋणायन ज्यादा, तो इन विद्युत अपघट्य विलयन की उदासीनता को बनाए रखते हैं ये। क्यों? यहां पर धनायन ज्यादा है तो इसमें से ऋणायन चला जाएगा जो इनको उदासीन कर देगा, और यहां पर ऋणायन ज्यादा है तो इसमें से धनायन चला जाएगा। तो दूसरा कार्य क्या है? विद्युत अपघट्यों की उदासीनता को बनाए रखना। ये धनायन और ऋणायनों को खत्म कर देगा तो उदासीन हो जाएंगे। तीसरा इनका कार्य है दोनों विद्युत अपघट्यों को मिश्रित होने से भी रोकता है। दोनों विद्युत अपघट्यों को मिश्रित होने से रोकता है।
मिश्रित होने से रोकता है। तो ये तीनों कार्य किसके हैं? लवण सेतु के। लवण सेतु देखो ये किस प्रकार से कार्य करेगा। ऐसे मानो यहां पर केसीएल भरा हुआ है। अब केसीएल भरा हुआ है तो यहां देखो जेड एन प्लस टू आयन ज्यादा है, तो इसमें से सीएल माइनस आयन इधर की ओर गति करेंगे। सीएल माइनस आयन तो इधर की ओर गति करेंगे और यहां जाके जेड एन सीएल टू में बदल देंगे। जेड एन प्लस टू आयन से सीएल माइनस एन क्रिया करेंगे तो जेड एन सीएल टू, तो धनायन खत्म हो जाएंगे, धनायन खत्म हो जाएंगे, उदासीन हो जाएगा। जेड एन सीएल टू बन जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का उत्पादन अनवरत होता रहेगा लगातार। यहां पर SO4 माइनस टू आयन ज्यादा है तो K प्लस आयन इधर की ओर गति करेंगे। K प्लस आयन इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे तो K2SO4 बना लेंगे SO4 माइनस टू के साथ क्रिया करके। K2SO4 बन जाएगा तो SO4 माइनस टू आयन तो खत्म हो गए, तो इसकी भी उदासीनता बनी रह जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि ये विद्युत अपघट्यों की उदासीनता को बनाए रखते हैं। अब देखिए इनमें जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है, लवण सेतु के लिए जो अक्रिय विद्युत अपघट्य भरते हैं, उस अक्रिय विद्युत अपघट्य की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इसमें भी इनको तीनों को भरा जाता है। तो क्यों भरा जाता है, क्या इसकी विशेषता है कि एक तो ये है जो आपके विद्युत अपघट्यों से ये सैल अभिक्रिया में भाग नहीं लेने चाहिए। सैल अभिक्रिया में ये दोनों भाग नहीं लेने चाहिए, K प्लस सी एल माइनस या एन एच फोर सी एल या एन ए एन ओ थ्री। आप लवण सेतु के लिए जो विद्युत अपघट्य भर रहे हो अगार अगार के साथ, वो सैल अभिक्रिया में भाग नहीं लेने चाहिए। एक तो ये विशेषता होती है इसकी। क्वेश्चन आ चुका है ये कि लवण सेतु में जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है अक्रिय विद्युत अपघट्य, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली विशेषता तो ये कि वो सैल अभिक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, सैल अभिक्रिया में तो यही भाग ले केवल। दूसरी चीज जो आपका अक्रिय विद्युत अपघट्य है उसके धनायन और ऋणायनों की गतिशीलता समान होनी चाहिए, दोनों के इधर की ओर मूव करने की, मतलब सीएल माइनस आयन जितनी तेजी से इधर जा रहा है के प्लस आयन भी इतनी तेजी से इधर जाए। ऐसा नहीं के प्लस आयन तो धीरे धीरे चल रहा है और ये तेज चल रहा है, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, धारा नहीं बहेगी, इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो विलयन में ज्यादा ऋणायन है, ये ऋणायन है जो इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देंगे इधर की ओर, चाहे यहाँ पर कितना ही उत्पादन हो जाए। तो दो विशेषता होती है अक्रिय विद्युत अपघट्य की। पहली विशेषता तो क्या होती है कि ये सैल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, और दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये इनके आयनों की गतिशीलता समान होती है, धनायन और ऋणायनों की गतिशीलता क्या होती है, समान होती है। तो ये आपके किसकी स्ट्रक्चर हो गई, विद्युत रासायनिक सेल की स्ट्रक्चर हो गई। एनोड पर तो क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है और जो आपका जिंक है वो जेड एन प्लस टू आयन में बदल जाता है और इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन होता है, जिससे कि एनोड तो क्या हो गया, ऋणावेशित। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। यही ऐसी जगह है जहां पर एनोड ऋणावेशित है, बाकी सभी सेलों में एनोड धनावेशित होता है। और कैथोड कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड धनावेशित होता है। अलोन से याद रखना है, एनोड लेफ्ट साइड रखा जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो दो अर्ध अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है दोनों में, एक वाले में तो ऑक्सीकरण की, एक में अपचयन की, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है, यहां ये धनावेशित हो जाता है और विद्युत विभव उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर धारा बहने लग जाती है, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये एनोड की अर्धशैल ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया हो गई, ये कैथोड की हो गई। तो आज अपन ने विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, कल अपन इसके पढ़ेंगे सेल को प्रदर्शित कैसे किया जाता है और इनके इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है।